संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये उम्मीद जताई है कि वस्तु और सेवा कर विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। आपको बता दें कि कल संसद परिसर में नकवी ने कहा कि इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जीएसटी बिल अगले हफ्ते आ जाएगा। लगभग सभी राजनीतिक दलों की, सभी पार्टियों की, सभी स्टेक होल्डर्स की और सभी राज्यों की भी सहमति है कि जीएसटी बिल जल्द से जल्द पास हो जाए। कांग्रेस के विरोध के चलते बार बार अटक रहे जीएसटी विधेयक के अगले सप्ताह पारित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार के आर्थिक सुधारों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को अगले सप्ताह राज्यसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि सोमवार 1 अगस्त 2016 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा। आज की कार्यसूची में शामिल निम्नलिखित में से बकाया सरकारी कार्य के किसी मत पर विचार, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और पारित करना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2016, लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 पर विचार और पारित करना। कैबिनेट ने जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद संसद से जीएसटी के पास होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली विपक्षी दलों के साथ लगातार बैठकें कर आम सहमति बनाने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस के 3 मांगों में से 1 मांग को सरकार ने मान लिया है, जबकि 2 मांगों को लेकर सहमति बनना बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि अगले हफ्ते बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। जो आने वाला सत्र है उसमें हम जीएसटी पास करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सभी राजनीतिक दलों से बहुत सकारात्मक चर्चा, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम जीएसटी पास करें। सरकार ने बिल में जो बदलाव किए हैं उनमें राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में फैसला होगा। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस 122वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन ऊपरी सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं हो पाने की वजह से अब ये विधेयक अटका हुआ है। लेकिन अब सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों को दूर कर इस पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया है। जीएसटी की इस नई व्यवस्था के अमल में आ जाने के बाद देश में एक ही कर प्रणाली लागू होगी। केंद्र सरकार की कोशिश है कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज़।